सितंबर का महीना दुनिया का सुसाइड प्रिवेंशन का महीना है और 10 सितंबर वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस है। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक साइकोथेरापिस्ट, एक ट्रेनर और एक पेरेंटिंग कोच, और आज की वीडियो में मैं आत्महत्या या सुसाइड बिहेवियर के बारे में बातचीत करूँगी। ये बातचीत मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अनुभव प्लस जो हमारा वेलनेस स्पेस का रिसर्च है और मेरे खुद के अनुभव है इसके ऊपर आधारित रहेगी। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि जब भी हम आत्महत्या की बात करते हैं तो दो ग्रुप बन जाते हैं। एक वो ग्रुप होता है पेरेंट्स का जो कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत नरम हो गए, चोचले बन गए हैं सॉफ्ट पेरेंटिंग की वजह से, और इसीलिए वो आत्महत्या करते हैं क्योंकि वो कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके साथ बहुत सॉफ्ट रहे हैं। दूसरा एक ग्रुप ये पेरेंट्स का ये भी कहता है या रिसर्च भी ये कहता है कि जो बच्चे बचपन के प्रतिकूल अनुभव से गुजरे हैं, जिन बच्चों का चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली उनके अंदर आत्महत्या करने की संभावना ज़्यादा है। तो एक तरफ रिसर्च है, एक तरफ लोगों के अपने ओपिनियन है, तो हमें क्या समझना चाहिए? सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि रिसर्च के हिसाब से आज भारत में 15 से 29 साल की उम्र की यंग लड़कियों में सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ आत्महत्या है, और दुनिया भर में अगर हम परसेंटेज देखें तो सुसाइड का जो कंट्रीब्यूशन इंडिया का अभी बढ़ रहा है, पहले से आज वो सबसे ज़्यादा हो गया है। तो हमें इसके बारे में बातचीत करनी है और हमें इस इशू को थोड़ा सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। आत्महत्या उस वर्तन को कहते हैं जिस जो एक इंसान करता है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, और आत्महत्या करने के अनेक तरीके हैं। आज हमें समझना है कि लोग आत्महत्या आजकल बच्चे क्यों कर रहे हैं। हमने जो वेलनेस स्पेस पे रिसर्च किया है उसमें ये तो ज़रूर क्लियर आता है, और इसके बारे में हमने पेपर भी पब्लिश किया है कि जो हमारे सेंटर पे आत्महत्या की हिस्ट्री के साथ आए हैं, करीबन 600 जितने लोग का डेटा है हमारे पास, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का जो है इंसिडेंस है। तो जिन लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमा के स्कोर बहुत ज़्यादा हाई हैं, उन्हीं लोगों में आत्महत्या और स्वहानिकारक वर्ताव के भी जो है इंसिडेंस ज़्यादा है। तो सबसे पहले रिसर्च, दुनिया भर का रिसर्च है, करीबन 70 लाख जितने जो है सैम्पल साइज़ का है, जो दुनिया भर में करीबन 40-45 जितने रिसर्च पेपर्स भी इस पे पब्लिश हुए हैं, वो सारे यही कहते हैं कि जो लोग बचपन में जिनका बचपन के प्रतिकूल अनुभव ज़्यादा हैं, जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा जिनका शोषण हुआ है, शारीरिक शोषण, यौन शोषण, भावनात्मक उनके साथ अब्यूज़ हुआ है, तो इनका आत्महत्या करने के जो है चांसेस है वो ज़्यादा है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा बचपन के प्रतिकूल अनुभव से गुजरता है तो उसका बॉडी जो है, उसका माइंड है, उन सब पे असर पड़ता है। इन बच्चों की नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाती है, उनका बॉडी क्रोनिक स्ट्रेस में होता है, और इनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी अलग होता है। तो ये बच्चे जो बचपन के बहुत ज़्यादा बचपन में ट्रॉमा से गुजरे हैं, उनका जो इम्पल्सिव ब्रेन है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। उनका जो ब्रेन का वो हिस्सा है जिससे वो रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं, आराम से कोई चीज़ सोच सकते हैं, अपने वर्ताव का जो क्या आगे इफेक्ट होगा वो सोचने की क्षमता का जो ब्रेन का हिस्सा है वो अंडर डेवलप हो जाता है। तो ये बच्चे बहुत इम्पल्सिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, और हर चीज़ में वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर और रिएक्टिव बिहेवियर होता है, और इसकी वजह से बड़े होने पर भी जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो वो इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते, गहरी सोच समझ के डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनका ब्रेन ही उस तरह से डेवलप हुआ होता है ट्रॉमा की वजह से। तो एक तरफ ये हमें ज़रूर समझना है कि जितना बच्चों को आप ज़्यादा ट्रॉमा देते हो, जितना उनको मारते पीटते हो या डराते धमकाते हो या उनका बुलिंग होता है, स्कूल में उनकी मजाक उड़ाई जाती है, अगर उनको भावनात्मक तौर पे सपोर्ट नहीं किया है, उनको अगर अकेलापन हो, डिप्रेशन हो, लोनलीनेस हो, तो ये बच्चे सुसाइड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। दूसरी तरफ पेरेंटिंग की अगर बात करें तो ये सब सोच के पेरेंट्स फिर एक दूसरा एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल ले लेते कि जहाँ पे वो बच्चे को सारी छूट दे देते हैं, मतलब बच्चे को कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई रूल्स नहीं, बच्चा घर का बॉस है, बच्चे को अपना दोस्त बना के रख लेते हैं। तो इन बच्चों
को माँ बाप कभी गिरने नहीं देते, उनको कभी गलतियाँ नहीं करने देते। ये माँ बाप है जो बच्चों को इतना प्रोटेक्टिव रखते हैं कि मेरे बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए, उसको रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये ओवर प्रोटेक्शन और ओवर परमिसिव पेरेंटिंग की वजह से ये जो बच्चे बड़े होते हैं उनमें इमोशनल रेजिलियंस कम होता है, मतलब वो चुनौतियों का सामना करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं, ना ही वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं किए, माँ बाप ने इनको कभी प्रॉब्लम्स आने ही नहीं दिए, और माँ बाप ने कभी इनको चुनौतियों का सामना ही नहीं करने दिया है, क्योंकि हर जगह माँ बाप सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये बच्चे भी आगे जाके जब भी उनको पहली चुनौती आती है, पहला रिजेक्शन आ जाता है रिलेशनशिप में, या कहीं पर भी उनको कोई मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, चाहे फाइनेंशियल हो इमोशनल हो, तो वो टूट पड़ते हैं और वो आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम सही नहीं है। माँ बाप होने के नाते हमें ये समझना है कि एक तरफ अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है जिसमें आप बहुत डराते हो, धमकाते हो, बच्चे को मार पीट के टफ बनाने की कोशिश करते हो, वो पेरेंटिंग भी गलत है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे मार पीट की वजह से या तो ढीठ बन जाते हैं या तो वो बिल्कुल टूट पड़ते हैं। और दूसरी तरफ वो भी पेरेंटिंग स्टाइल नहीं अपनाना है जहाँ पे आप बच्चों को बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम और बिल्कुल ही ढीला बनाओ ताकि वो कोई चैलेंजेस ही ना फेस कर सके। तो आप मेरी पेरेंटिंग स्टाइल्स की वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने चार पेरेंटिंग स्टाइल्स डिस्क्राइब की है और उसके क्या नतीजे बच्चों पे होता है वो भी डिस्क्राइब किया है। रिसर्च ये कहता है कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा है अच्छी है, जिसमें बच्चे भावनात्मक तौर पे स्ट्रांग रहते हैं, चैलेंजेस फेस कर पाते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई में भी उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग मतलब इन दोनों एक्सट्रीम नहीं पर कहीं बीच का पेरेंटिंग स्टाइल, जहाँ पे आप बच्चे को ज़रूर डिसिप्लिन करते हो, कायदे कानून सिखाते हो, बच्चे के साथ फर्म रहते हो, बच्चे की तरफ से एक्सपेक्टेशंस भी आपके रहते हैं, पर दो तरफी कम्युनिकेशन रहता है, आप बच्चे की बात सुनते हो, बच्चे के अगर विचार आपसे अलग है तो वो आप विचार व्यक्त करने की बच्चे को परमिशन देते हो, और बच्चे को के साथ दोस्त बन के रहते हो, बच्चे को अपना दोस्त नहीं बनाना है बट एक फ्रेंडली पेरेंट बन के रहते हो जहाँ पे बच्चा सब कुछ आपके साथ शेयर करने में सुरक्षित फील कर सके। अगर ये सारी चीज़ें करें तो हम हमारे बच्चों को ज़रूर सेल्फ हार्मिंग और सुसाइड बिहेवियर से बचा सकते हैं। आजकल पेरेंट्स तो कम प्रेशर डालते हैं पर बच्चों का प्रेशर खुद से बहुत आता है, सोशल मीडिया से बहुत आता है। आजकल बच्चे सोशल मीडिया की वजह से दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं, शारीरिक अपने बॉडी के बारे में तुलना करते हैं, अपनी होशियारी के बारे में तुलना करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी साथ तुलना करते हैं। तो बच्चे भी आजकल अपने आप पे प्रेशर बहुत डालते हैं और ये प्रेशर की वजह से भी टूट जाते हैं और आत्महत्या की तरफ जाते हैं। ये हम तभी प्रिवेंट कर सकते हैं जब इन बच्चों को हम सपोर्ट दें, उनका सोशल स्ट्रक्चर डेवलप करने दें। रिसर्च ये कहता है कि जो जो बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा अनुभव करते हैं वो सारे के सारे तो आत्महत्या नहीं करते, बट जो बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा का अनुभव करते उसकी वजह से जिनको डिप्रेशन है, जिनको अकेलापन है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो बच्चे सुसाइड की तरफ जाते हैं, बाकी बच्चे नहीं। तो हमें बच्चों में जो अकेलापन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है और ऐसे मानसिक इश्यूज हैं उसको प्रिवेंट करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से उनको अपने मन की बात कहने के लिए एनकरेज कीजिए, उनसे बातचीत जारी रखिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए। और आत्मविश्वास सिर्फ उनकी तारीफ करने से नहीं बढ़ेगा, आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब बच्चा खुद देख रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से उनको काम दीजिए, बच्चे को अपने उम्र के हिसाब से गलतियाँ करने दीजिए, गलतियों से वो क्या सीखे, उसमें से क्या वो अलग कर सकते, वो सोचने की उनको चैलेंज कीजिए, उनको क्षमता दिलाइए, बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाइए। बच्चे को अगर मुश्किल हो अपने दोस्ती में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, तो हर बार आपको बीच में आके सॉल्व नहीं करना है, बच्चे को खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने दीजिए और जब वो सॉल्व कर पाए तब उसकी तारीफ कीजिए और उसको बताइए कैसे उसने सॉल्व किया है। तो तब बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब बच्चा ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी चीज़ों में से बाहर आ सकता हूँ, मैं गिर के भी खड़ा उठ सकता हूँ, तभी ये बच्चे आत्महत्या की तरफ नहीं जाएंगे और जब लाइफ में चुनौती आई तो वो चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखेंगे और उसका आत्मविश्वास भी
रखेंगे। मैं यही कहूंगी सब पेरेंट्स को कि आपको आत्महत्या के बारे में बच्चों से जरूर बातचीत करें, बच्चों से नहीं, टीनेजर्स और यंग एडल्ट से, क्योंकि कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये बातचीत करने से भी हम बच्चों के मन में आइडिया डाल रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। बातचीत करने से हम बच्चे के मन में आइडिया नहीं डाल रहे हैं, इनफैक्ट बातचीत करने से हम बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन की चैनल खोल रहे हैं ताकि बच्चे के अंदर ये टॉपिक के बारे में जो भी उसके विचार हैं, जो भी उसने कहीं से सोशल मीडिया से इधर उधर पढ़ा हो, वो आपके साथ शेयर कर सके, और अगर वो गलत विचार है तो आप उसको सुधार पाए। अगर आप ये बच्चे के साथ बातचीत ही नहीं करेंगे तो बच्चा आपके साथ ये शेयर ही नहीं करेगा और गलत लोगों के साथ शेयर करेगा जो शायद उसको गाइड नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से सुसाइड प्रिवेंशन मंथ में मैं पेरेंट्स को यही कहूंगी कि बच्चों के साथ इसके बारे में बातचीत करें, बड़े बच्चों के साथ, और अगर आपके बच्चों में ऐसी कोई भी साइंस है जैसे उसको डिप्रेशन है या अपने ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मक विचार है, नेगेटिविटी है, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, या बच्चों को बुलिंग हो रहा है स्कूल में, टीचर उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, उसका इंसल्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो आप प्लीज इसके बारे में कुछ करें। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो जरूर बच्चों को काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास भेजे और बच्चों को सपोर्टेड फील कराए। अगर बच्चे ने समझो कोशिश भी की है तो उसको इसके बारे में भी शर्मिंदा ना कराए, उसको इसके बारे में भी बातचीत करके, उसको सपोर्ट देके, उसके साथ कंधा से कंधा मिला के उसको इसमें से बाहर निकालने का प्रोत्साहन दीजिए। ये डरने वाली बात नहीं है पर ज़रूर थोड़ी बहुत चिंता करने वाली बात है, इसीलिए मैं पेरेंट्स के साथ ये शेयर कर रही हूँ। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन चालू रखना ही है, और सिर्फ बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं पर बच्चों को अलग अलग प्रवृत्तियों में भी उनका ध्यान दीजिए, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताए, अपना सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग करें, और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स हैं, आर्ट है, क्राफ्ट्स है, डांस है, म्यूज़िक है, इन सब में भी अपना मन लगाए ताकि अगर उनको ऐसे आत्महत्या के विचार आते हो तो ये सारी एक्टिविटीज के द्वारा भी वो इसमें से बाहर आ सके। तो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और मार्क्स पे नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और इसको आगे दूसरे भी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको शायद इससे कुछ फायदा मिले। मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरी पेरेंटिंग चैनल है पाथवेज टू पॉजिटिव पेरेंटिंग, इसमें मैंने ऐसे बहुत कई टॉपिक्स के बारे में बातचीत की है, और एज पेरेंट्स आप कैसे पॉजिटिवली अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बना सकते हो, कैसे उनको डिसिप्लिन कर सकते हो, ये भी बताया है, तो वो भी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, और कमेंट्स में लिखना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ।